अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं तस्नीम बानो शफीक अहमद। प्यारे बच्चों, ऊपर दी गई सरगर्मी से आपने ये जान लिया कि ढेर किसे कहते हैं और आंगून क्या है। आइए अब हम ये जानते हैं कि जानदारों की गिजा किस तरह की होती है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम गाय और भैंस वगैरह पालते हैं और इन्हें हम खाने के लिए देते हैं घास। इसी तरह इन्हें और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए हम उन्हें देते हैं खली या ढेर। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने देखा होगा कि घोड़ा घास खाता है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ताकतवर बनाने के लिए इन्हें दिया जाता है भीगा हुआ चना, और जिसके खाने से घोड़े को ताकत मिलती है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि बकरियां और भेड़े घास फूस खाती है और इन्हें हम घास फूस के अलावा दीगर दरख्तों के पत्ते भी देते हैं ताकि वो तवाना वो तंदुरुस्त रह सके। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि बिल्लियां दूध शौक से पीती हैं, लेकिन दूध के अलावा बिल्लियों को चूहे मारकर खाना भी पसंद होता है। इसके अलावा वो कबूतर, फाख्ता और चिड़िया जैसे परिंदों का शिकार करके भी खाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुत्तों को हम रोटी और चपाती देते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्लियों का शिकार करना पसंद करते हैं, यानी गोश्त उनकी मरगूब गिजा होती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा या सुना होगा कि हरन, नील गाय और अरना भैंसा जैसे जानदार जंगलों में रहते हैं और जंगल में ही वो मुख्तलिफ किस्म के पत्तों को खाकर अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि ये जानदार इन पत्तों के अलावा हमारे खेतों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, यानी अपने खेतों की फसलों को वो गिजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि शेर और शेर बबर ये जंगल में होते हैं और जंगल में वो हरन और दीगर जानवरों का शिकार करके उनके गोश्त को खाते हैं। इसी तरह जंगल में रहने वाले ये जानवर जब कभी फाका का शिकार होते हैं, यानी उन्हें जंगल में गिजा नहीं मिलती, तब वो हमारी इंसानी बस्तियों की तरफ रुख करते हैं, यानी इंसानी बस्तियों में वो दाखिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो किस चीज के लिए आते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए कि वो इन जगहों पर या इंसानी बस्ती में क्यों दाखिल होते हैं। गुड, गिजा के लिए आते हैं। ऐसे वक्तों में वो जानवरों के कोठे की तरफ अपना रुख करते हैं और वहां से अपने शिकार को हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि गिदड़ हमेशा मुर्गियों का शिकार क्यों करते हैं? कब? जब वो इंसानी बस्ती में आते हैं, क्योंकि उन्हें शेर और शेर बबर के जैसी ताकत नहीं होती, वो बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। इसीलिए गिदड़ जब कभी भी इंसानी बस्ती में गिजा की तलाश में आता है, तब वो हमेशा मुर्गियों को उठाकर ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हुई मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की गिजा। इसका मतलब ये होता है कि या इन तमाम बातों से हमें ये पता चलता है कि हर किस्म के जानदार की गिजा अलग अलग होती है।